भारत वर्ष से आए हुए जायसवाल जैन समाज के प्रतिनिधियों ने समाज के अविवाहित बच्चों का 24 और 25 दिसंबर को सोनागिर में होने जा रहे परिचय सम्मेलन के संदर्भ में बैठक में गहन विचार विमर्श के पश्चात अनेकों निर्णय लिए। अखिल भारत वर्षीय जायसवाल जैन अप्रोच समाज की सेवा भावी संस्था अविवाहित प्रतिभाएं प्रस्तुति समूह की राष्ट्रीय बैठक विगत दिवस ज्ञान सागर सेवा सदन मुरैना में आयोजित की गई। बैठक का संचालन अजय जैन शिवपुरी एवं रविन्द्र जैन चमूसर भोपाल ने किया। जिनेन्द्र प्रभु के समक्ष दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य अनिल जैन मकराना, मनोज जैन कोटा, सुरेश जैन साउथएक्स, रूपेश जैन दिल्ली, सुरेश जैन द्वारका, महेश चंद बंगाली मुरैना, पवन जैन उत्तम नगर को प्राप्त हुआ। समूह के संरक्षक महेश चंद बंगाली और स्थानीय चेतन संयोजकों द्वारा सभी अतिथियों का भावीना आत्मीय स्वागत सम्मान किया गया। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी में 24-25 दिसंबर को होने जा रहे परिचय सम्मेलन की व्यवस्थाओं के संदर्भ में सभी उपस्थित बंधुओं द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिचय सम्मेलन में अधिक से अधिक सजाति विवाह योग्य बच्चों का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन परिचय कराया जाएगा। सम्मेलन में आने वाले सभी जायसवाल जैन बंधुओं को आवास, परिवहन एवं भोजन आदि की समुचित व्यवस्था प्रदान की जाएगी। सम्मेलन की सभी व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु कमेटियों का गठन किया जाएगा। सम्मेलन की व्यवस्थाओं हेतु मनोज जैन कोटा, पवन कुमार ऋषभ जैन मुरैना, सुमेधी लाल दिनेश चंद जैन मुरैना, राजेंद्र भंडारी साकेत भंडारी मुरैना, राम शंकर नायक कड़ी मुरैना, पवन जैन उत्तम नगर, नरेंद्र जैन सुपर मुरार, अतुल जैन ओल्ड ईदगाह, राजकुमार सोनू आगरा, पुरुषोत्तम जैन सीपरी, सुनील ठिलवारी मकराना, सुमन जैन, सोनू जैन, जगदीश जैन मनिया, अजीत जैन चांदी वाले, संजय जैन शालीमार आगरा ने अर्थ सहयोग की घोषणा की। आगरा निवासी अखिलेश जैन ने अपने कप्य पाठ से सभी को प्रभावित किया। बैठक के प्रारंभ में समूह के राष्ट्रीय संयोजक अजय जैन सीपरी, रविन्द्र जैन जमूसर भोपाल, रूपेश जैन दिल्ली, अनिल जैन मकराना ने परिचय सम्मेलन की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। सभी वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में दिनेश जैन खबरौली, अतुल जैन स्क्रेप का सहयोग सराहनीय रहा। स्वागत भाषण का वाचन अनूप भंडारी व आवाज व्यक्ति प्रवीण जैन चेटावालों ने किया। खबर अर्पण के लिए मनोज जैन नायक की खबर। जो भी मुझ पर बनेगा उसके लिए मैं तत्पर रहूंगा और ये कार्यक्रम जो हो रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। अभी वो जय धन्यवाद आपके संक्षिप्त वक्तव्य के लिए। आपने जो हम लोगों को ऊर्जा देकर प्रोत्साहित किया उसके लिए कोट से धन्यवाद। अब हमारी यह संस्था आप जैसे सहयोगियों के कारण निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त करेगी और ऊंचाइयां छूगी। मैंने पहले भी बताया था कि यदि हमारी समाज में हम बच्चों के प्रति सजग नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा रिश्ते नहीं करवाएंगे तो ना तो समाज चलेगा ना धर्म चलेगा। इसलिए ये होते थे मैं शायद उतने अंदर उसके नहीं देखा, लेकिन यदि आप लोगों को पता हो तो उनमें कितनी एंट्रियां होती किसी को है मतलब एक लगभग कितनी एंट्री होती 100 से 150 ना। आपको मैं ये सब जितने संयोजक बैठे हैं इनमें उसकी संख्या को 2000 तो पहुंचा दिया है। 2000 एंट्री मेरे बच्चे जाएंगे और मैं अपना रूम बुक करा लूंगा और बुक करा के मैं उस पर रुक जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ मेरे शहर की समाज जाएगी और वो देखेगी कि जैन साहब ने तो रूम बुक करा लिया, ये तो इसके मालिक हैं और ये तो आराम से रुके हुए हैं और मेरे हम उसके साथ मेरे साथ जो लौट जाएंगे वो अगर निम्न व्यवस्था में रुकेंगे तो मुझको नहीं लगता कि हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सबके दोस्त होते हैं, सबके लोगों ने तो बोले चाहते हैं कि कैसे ये रुक रहे हैं कैसे मैं रुकूं, जैसे ये भोजन कर रहे हैं वैसे मैं भोजन करूं, तो ये तो व्यवस्था मुझे अच्छा नहीं लगता किस तरीके से आप रूम अपने को कर लोगे, तो ये चीज थोड़ी स्टैंडर्ड में आ जाएगी ऐसी मेरा विचार है। क्योंकि मैं आज नागरी है आगरा और दूसरे तीन है तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, आप जो भी फैसला लेंगे हम सब उसमें